उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के तहसील फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम आलमपुर में सिकरवार समाज कल्याण समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिकरवार समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे कि बाल विवाह, मृत्यु भोज, शिक्षा और समाज को संगठित रहने जैसे निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से मीडिया प्रभारी सुनील कुमार सोलंकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीकांत सिसोदिया, जितेंद्र सिंह, दिनेश एडवोकेट, महेंद्र प्रताप सिंह, विशाल जयप्रकाश, संजय सिंह, महेंद्र सिंह, अजय सिंह, राजवीर, सत्येंद्र, सचिन, रविंद्र व आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से हमारे सहयोगी दुष्यंत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आलमपुर में समाज जो कि हमारी सिकरवार समाज का सम्मेलन है और समाज की जो कि जागृति के लिए हम लोगों ने यह बैठक रखी गई थी। समाज में तमाम कमियां हैं और कई परेशानियां हैं, उन सब के समाधान के लिए हमने यह बैठक रखी गई थी। किस किस विषय पर समाधान के लिए चर्चा की गई आपके समाज के प्रति? हमारे समाज की तरफ से जैसे दहेज प्रथा है उस पर चर्चा की गई, शिक्षा के ऊपर चर्चा की गई एवं नाबालिग विवाह जो होते थे उस पर प्रतिबंध करने के लिए शपथ ली गई है। आगे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से बैठक के माध्यम से? इस बैठक के माध्यम से हमारे समाज जितनी भी है वो एकजुट होकर रहे और संगठित समाज बने और जितने भी समाज में आजकल घटनाएं हो रही हैं उन सब घटनाओं को एकजुट होकर समाधान करने के लिए हम समाज से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और यही हमारा मिशन।